हेलो चिल्ड्रन, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका एग्जाम हो नेक्स्ट डे और लाइट ही ना हो, या गर्मी बहुत लग रही हो, आप स्विच ऑन करें और पंखा ना चले, ठंडा पानी पीने का मन हो, फ्रिज से बॉटल निकाले तो देखे कि पानी ठंडा हुआ ही नहीं है? ऐसा क्यों होता है? आइए इन सवालों के जवाब के लिए शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर, लेसन नंबर 12, विद्युत तथा परिपथ। बच्चों, विद्युत शब्द का मतलब होता है बिजली और परिपथ शब्द का मतलब होता है वो रास्ता जिसमें बिजली चलती है, यानी कि दौड़ती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी पंखे क्यों नहीं चले, लाइट क्यों नहीं जली और फ्रिज का पानी ठंडा क्यों नहीं मिला, क्योंकि बिजली नहीं थी। हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज में हम सुबह से लेकर शाम तक कंप्लीटली बिजली पर डिपेंड करते हैं। सुबह तो सूर्य हमें रोशनी दे देता है हमारे घर में और चारों ओर खूब रोशनी होती है, हमें सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन जब सूर्य छिप जाता है उस समय हमें रोशनी कौन देता है? उस समय हमें रोशनी देती है बल्ब और ट्यूबलाइट, और वो हमें कैसे रोशनी देती है? विद्युत के कारण, यानी कि बिजली के कारण। अगर मान लो पीछे से बिजली की सप्लाई थोड़ी देर के लिए कट ऑफ हो जाए, यानी कि बिजली घर से हमें बिजली ना मिले, तब हम लाइट के लिए किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? बताइए। हम इस्तेमाल कर सकते हैं टॉर्च का। बच्चों, मैं आपको टॉर्च दिखा रही हूं, ये एक टॉर्च है मेरे हाथ में। टॉर्च के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में आपको स्विच दिखाई दे रहा होगा, और साथ ही जब हम स्विच को ऑन करते हैं तब आपको इसके अंदर के बल्ब से रोशनी आती हुई दिखाई दे रही होगी। अब टॉर्च में लगे हुए बल्ब में बिजली कहाँ से आई? क्योंकि बिजली तो आई है तभी इसमें से रोशनी पैदा हुई है, तो ये बिजली कहाँ से आई? टॉर्च में ऐसा कौन सा सोर्स है जो बिजली देकर बल्ब को लाइट अप कर रहा है? तो टॉर्च में विद्युत आने का कारण ढूंढते हैं टॉर्च को खोलकर, स्विच को ऑफ करते हैं और टॉर्च को ओपन करते हैं। ये देखिए, जब हमने टॉर्च को ओपन किया तो मुझे इसमें से ये तीन चीजें मिली, और टॉर्च के ये जो तीन कंपोनेंट हैं इन्हें हम सेल कहते हैं। तो बच्चों, टॉर्च के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सेल और बल्ब। आइए सेल को ड्रॉ करते हैं। जो सेल है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, एक धातु का सिलेंड्रिकल केस है। इसकी आकृति सिलेंडर जैसी है, ऊपर इसमें एक धातु की कैप लगी हुई है जिसका सिरा जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, यानी कि धन टर्मिनल कहलाता है। निचले हिस्से पर जो फ्लैट सरफेस है इसे हम धातु की डिस्क कहते हैं, और यहां पर जो टर्मिनल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, माइनस के निशान से हम इसे दिखाते हैं, और ये टर्मिनल ऋण टर्मिनल कहलाता है। इसमें आप इस सेल में ध्यान से देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूं। देखिए, यहां पर आपको प्लस का निशान दिखाई दे रहा होगा, ये सेल का धन टर्मिनल है, और नीचे वाले हिस्से पे जो माइनस का निशान देख रहे हैं आप, ये सेल का ऋण टर्मिनल है। यानी कि सेल के दो टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। इस धातु के केस में केमिकल स्टोर होते हैं, काफी सारे रसायन होते हैं जो ये रसायन जो है धीरे धीरे विद्युत ऊर्जा में बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से बल्ब जो होता है वो लाइट अप हो जाता है। तो सेल के रसायन धीरे धीरे विद्युत ऊर्जा में बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से टॉर्च जो है वह टॉर्च जल जाती है और बल्ब हमें रोशनी देता रहता है।
लेकिन धीरे धीरे ये जो केमिकल्स हैं ये यूज अप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जब सेल से केमिकल्स खत्म हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि सेल वीक हो गया है, और फिर जो है हम सेल को रिप्लेस कर देते हैं और जूस सेल को जो है वो फेंक देते हैं। बच्चों ये सेल जो है खाली टॉर्च में यूज नहीं होते, ये सेल हमारी घड़ी के अंदर या हमारे रिमोट में और काफी सारी चीजें जैसे कि रेडियो में, कैमरास में, ये सेल जो है काफी जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं टॉर्च के दूसरे कंपोनेंट की, यानी कि बल्ब की। बच्चों आप सभी बल्ब से भली भांति परिचित होंगे, आपके सभी के घरों में बल्ब जरूर लगा हुआ होगा। बल्ब का एक आउटर कवरिंग होती है कांच की, और अंदर इसके अंदर कुछ मेटल लगा होता है। अब ये जो बल्ब है क्या इसके अंदर भी सेल की तरह दो टर्मिनल्स होते हैं, इसके बारे में जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम with Star Teachers of Faridabad.